बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गोपाल दास को ट्रस्ट में जगह न मिलने से जो संतों की नाराजगी जाहिर की गई थी और केंद्र सरकार की तरफ से यह भरोसा भी दिलाया गया था कि कोई ना कोई खास जगह दी जाएगी, ऐसे में बड़ी खबर आपको बता दें कि इन्हें खास जगह दी जाने की बात सामने आ रही है। अगर यहाँ पे छोटी छावनी में तो नहीं होगी? नहीं, छावनी में बैठक नहीं। कुछ लोग आपसे मुलाकात करने आए थे, क्या बातें हुई? वो तो बस हाल चाल के लिए आए थे, बाकी जो हमने पहले घोषणा किया था वो हमारा घोषणा यथावत है और वही होगा। अभी विधायक जी आए थे, मुलाकात किए गए हैं, उन्होंने बताया कि मंत्रालय से बात हो गई है, कुछ लोगों को नाम शामिल किया जाने की है। उन विधायक जी की थोड़ी बात रही है, कुछ लोगों को शामिल किया जाना है। अभी कौन लोग? कुछ लोग नहीं, वही दो नाम जो मैंने कहा था वो वही दो नाम यथावत हैं, अध्यक्ष महामंत्री, जो मैंने पहले से कहा था दो नाम की घोषणा की थी वो यथावत है। कुछ कानूनी प्रक्रिया है, पूरी हो जाएगी वो दोनों नाम। तो क्या ऐसी कोई बैठक है, इसमें नहीं जाएंगे आप? नहीं नहीं, कोई बैठक नहीं, आज बैठक सब स्थगित कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या मामले से जुड़े हुए, जहां ट्रस्ट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। संत कमल नयन दास का बड़ा दावा सामने आ रहा है और इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश भी फोन लाइन पे बने हुए हैं। सत्य, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार संत जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध जता रहे थे, नाराजगी जता रहे थे और कहीं ना कहीं ये खबर संतों को राहत देने वाली है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से संतों का विरोध रहा है माननीय गोपाल दास के नाम को न शामिल किए जाने को लेकर, तो वही जो आज बैठक होने वाली थी इसके बाद क्रम मंत्रालय और अन्य संतों के बीच जो बातें हुई उससे साफ जाहिर हुआ कि अभी भी मौका है, कुछ संतों को उसमें जोड़ा जाएगा। माननीय गोपाल दास का नाम सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं माननीय गोपाल दास को इस ट्रस्ट में शामिल किया जाना है, इसको लेकर गृह मंत्रालय भी शायद इसको लेकर आश्वस्त कर दिया है संतों को। लेकिन जो दो नाम अभी सामने आने वाले हैं उसको लेकर कैमरे पे तो कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ऑफ कैमरे में जरूर बताया जा रहा है कि माननीय गोपाल दास और चंपत राय को इस ट्रस्ट में जोड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं संतों को इस नाम के सामने आने के बाद जो कुछ जो आक्रोश है कुछ कम हुआ है, उसको लेकर ये बैठक स्थगित कर दी गई है। जी तो बिल्कुल ये माना जाए कि संत गोपाल दास के साथ और कोई नाम सामने आ सकता है, क्योंकि दो नाम आपने कही। जी हाँ, जिस प्रकार से अभी जो बाकी जो छह नाम जो उसमें जोड़े जाने थे उनको लेकर उसमें संत नित्य गोपाल दास और चंपत राय के बाद जो है महंत सुरेश दास और धर्म दास को भी आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन पूरी तरह भी आश्वस्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि सरकार या कोई भी जो केंद्रीय मंत्री के इसमें है कोई भी इस तरह की बात सामने नहीं बोल रहे हैं कैमरे पर, इसलिए कहना भी कोई जरूरी नहीं है कि और कौन शामिल हो सकते हैं। लेकिन माननीय गोपाल दास और चंपत राय को लेकर जो मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि दो नाम अभी जुड़ने हैं जो मुख्यतः ये शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में तो जो भी संत थे उनके लिए खुशी की खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।